Assalamu alaikum, my dear students. So here I am continuing the topic gravitational potential. And इस gravitational potential में कल बेटा हमने ये पढ़ा कि how the gravitational potential varies with respect to the distance from the center of the earth. And we also discussed कि एक अगर system of point masses है, किसी भी पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना हो देन आप कैसे निकाल सकते हो. नाउ आज हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बारे में एक और टर्म को जान लेंगे, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट. आपको पता होनी चाहिए ग्रेडियंट क्या होता है फ्रॉम द वेरी बेसिक्स. जैसे बहुत जगहों पे थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर ग्रेडियंट आता है कि नहीं. अच्छा सॉल्यूशंस में केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आता है, समझ आ रहा है. तो ऐसे ही वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात होती है. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ? ग्रेडियंट का मतलब हुआ चेंज इन अ यूनिट डिस्टेंस, पर यूनिट डिस्टेंस. मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब हुआ चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस. वो क्या मतलब हुआ बेटा? जैसे आपके पास दो पॉइंट्स हैं, यहां पोटेंशियल है V1 और यहां पोटेंशियल है V2, और बेटा इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज x, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी रिटन एज V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय x. सो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअली हमें बताता है कि उन दो पॉइंट्स में जिनके बीच में 1 मीटर की दूरी है उनमें कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है. समझ आ रहा है? जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, मान लो यहां पोटेंशियल है 3 वोल्ट, यहां है 10 वोल्ट, ठीक है, और यहां पर जो डिस्टेंस है से दैट इज 5 मीटर. ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां 5 मीटर की डिस्टेंस में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है? 7 वोल्ट. तो 1 मीटर में जब हम 1 मीटर की डिस्टेंस देखेंगे वहां कितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी? 7 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 1.4 वोल्ट पर मीटर. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सच टू पॉइंट्स विच आर सेपरेटेड बाय अ 1 मीटर डिस्टेंस गिव्स अस द पोटेंशियल ग्रेडियंट. और इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम बेटा कैसे दिखाते हैं? जैसे मैंने एक लाइन ली है, यहां पर कोई मास है जिसकी वजह से यहां फील्ड है, और मैंने ये दो पॉइंट्स लिए जिनके बीच में डिस्टेंस है dx, और इन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है dv. ये छोटी सी डिस्टेंस ली है, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे आप लिखोगे? dv बाय dx. इज दैट क्लियर? या x के बदले हम r लिखेंगे तो यहां पर भी r आएगा. सो dv बाय dr. इज दैट क्लियर? व्हाट dv बाय dr इज? इट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो ये देखा गया कि ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसकी एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है फील्ड इंटेंसिटी के साथ. क्या है वो रिलेशन? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है इट इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय बी आर. इज दैट क्लियर? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो क्या मैं कह सकता हूं जो इंटेंसिटी है वो बराबर है पोटेंशियल ग्रेडियंट के? और एक बात, मैंने आपको कल कहा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट एज फार एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कंसर्न इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. अब मसला है इस नेगेटिव साइन से बेटा आपको क्या पता चल रहा है? आप अच्छे से समझोगे बेटा. इससे हमें यह पता चलता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वहां से होती है जहां से पोटेंशियल चेंज होगा. अगर कहीं से पोटेंशियल चेंज हो रहा है, जैसे बेटा यहां पे मैंने एक पॉइंट मास लिया, ठीक है, और यहां से जितना मैं इससे दूर होते जा रहा हूं V is inversely as R here. जितना मैं दूर होते जा रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल घटता जा रहा है, घटता है ना, तो मगर एक्चुअल में बढ़ता है बिकॉज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नेगेटिव. सो एज यू गो अवे फ्रॉम दिस मास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
increases. But as far as इससे क्या पता चलेगा, द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल. नेगेटिव साइन हमें यह बताता है कि फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी डायरेक्शन वहां से होगी जहां से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल घटेगा. जहां से पहला मसला यह है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वहां से होगा जहां से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चेंज होगा. लेकिन चेंज भी कैसी होनी चाहिए? इट शुड डिक्रीज. सो इसका मतलब क्या हुआ? जिस पॉइंट मास से जब आप दूर होते जा रहे हो, यहां से तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो घटेगा कहां से? यहां से. तो यही से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी. सो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहां से होती है? जहां से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा. फिर से मैं समझाना चाहता हूं, आपने चार्जेस में पढ़ा होगा, वहां पे भी बराबर ऐसा ही है. जैसे आपने पॉजिटिव चार्ज लिया, आपको पता है जितना आप इससे दूर होते जाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा, तो ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी वही से होगी. इसीलिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड्स. सो रिमेंबर दिस पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ वेदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल. जहां से पोटेंशियल घटेगा, जहां से पोटेंशियल का फॉल होगा, वहीं से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी. अब मुझे बताओ, जहां से पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, क्या वहां से फील्ड की कोई डायरेक्शन होगी? नहीं. तो रिमेंबर, अलोंग दैट सरफेस अलोंग विच द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज कांस्टेंट, वहां से फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी. ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा वहां से होगी जहां से पोटेंशियल चेंज होगा, जहां से पोटेंशियल का फॉल होता होगा. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी एंड वॉट? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. सो इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीआर. सो इंटेंसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. अब इसकी क्या एप्लीकेशन है? बहुत सारी एप्लीकेशंस बेटा इस पे आती है. जैसे आप इसमें से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी निकाल सकते हो. डीवी आप लिख सकते हो बराबर माइनस आई डी आर. ठीक है बेटा. सो अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहते हो, देन यू हैव टू ब्रिंग अ पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, इंटीग्रेटेड ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी. इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना लेते हैं? जीरो. और मान लो जब आर पे लिया, वहां पे पोटेंशियल वी आ गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी आर. ठीक है, इन्फिनिटी से कहां लाया? आर तक. सो वी किसके बराबर आ गया? एंड द साइन इज हियर माइनस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर आ गया इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी? माइनस आई डी आर, इंफिनिटी टू आर. तो ये इसकी भी रिलेशन आ गई. अगर आप इंटेंसिटी को डिस्टेंस के साथ इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, दैट विल गिव यू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, बराबर वैसे ही यहां पे भी बेटा होता है. सो अगर इंटेंसिटी पता हो, आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल सकते हो. नाउ अब हम बेटा एक आसान सा क्वेश्चन मैं रखूंगा यहां पे, एक बट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो. द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेरीज विद आर एज एस इफ ई इज इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर. इज दैट क्लियर? क्वेश्चन ऐसे है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई से दिखाई गई, किसके बराबर है? ए बाई आर स्क्वायर. क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर. हमें आर डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है. बट इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी? यस, जो यहां पे हमने देखा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस डी आर. लिमिटस आर रनिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर. तो क्या आएगा बेटा यहां पे? माइनस इंटेंसिटी के बल्ले क्या लिखेगी? ए बाई आर स्क्वायर डी आर. लिमिट्स आर रनिंग फ्रॉम यस इन्फिनिटी टू आर.
सो यहाँ क्या आ गया, ए इज कॉन्स्टेंट ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, माइनस ए बाहर, अंदर क्या बचा आर स्क्वायर, उसको ऊपर लाओ, आर इज पर माइनस टू डी आर इंफिनिटी टू आर, तो माइनस ए ऐसे ही रखो, इसको इंटीग्रेट करो, यह आएगा आर इज पर एन प्लस वन माइनस टू प्लस वन दैट इज माइनस वन, माइनस टू प्लस वन दैट इज माइनस वन, लिमिट्स आर रनिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, माइनस माइनस प्लस, तो यहां क्या आ गया ए टाइम्स, अंदर क्या बचा वन बाय आर इन्फिनिटी टू आर, ठीक है बेटा। देन यहां क्या आ गया, पोटेंशियल किसके बराबर आ गया ए टाइम्स, यस वन बाय व्हाट इज द अपर लिमिट आर माइनस व्हाट इज द लोअर लिमिट इन्फिनिटी, वन बाय इन्फिनिटी इज जीरो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया ए बाय आर, तो दिस इज हाउ कैन यू रिलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। नाउ बेटा एक और एप्लीकेशन इस रिलेशन की है, बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और एक बार आईआईटीज में इस पे क्वेश्चन आया है। जैसे आपने एक हॉलो शेल लिया है बेटा, ठीक है, आपको पता है इस हॉलो शेल में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, जीरो, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हियर। नाउ हमें बताना है कि आप हमें बताओ कि इस सरफेस से या इस सेंटर से इस सरफेस तक कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, तो वो कैसे आप निकालोगे। अभी फिर से यही रिलेशन यूज करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट की बेटा क्या रिलेशन है, माइनस डीवी बाई डी आर। आप हमें बताओ ये जो आई होता है इनसाइड द हॉलो शेल, इनसाइड द हॉलो शेल व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इट इज जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। तो बताओ किस चीज का डेरिवेटिव जीरो होता है, जो चीज कॉन्स्टेंट हो, दैट इज व्हाट इज वी हियर कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, वी का कॉन्स्टेंट होने का मतलब यह हुआ कि सेंटर से सरफेस तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन हमें पता होनी चाहिए ना सरफेस पे क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, सरफेस पे यू मस्ट नो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय द रेडियस, पता है ना बेटा कैसे निकालते हैं सरफेस ऑफ शेल, सरफेस ऑफ अर्थ पे कैसे निकालते हैं, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। तो आप मुझे बताओ अगर सरफेस पे माइनस जी एम बाई कैपिटल आर है, अंदर भी कितना होगा, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, सो सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल में कोई फर्क, पोटेंशियल विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो इट मींस अगर यहां पर आप ग्राफिकली देखना चाहोगे, व्हाई आई एम शोइंग द ग्राफ अलोंग दिस, बिकॉज पोटेंशियल इज नेगेटिव, आई विल ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वी एंड आर, आप क्या दिखाओगे सेंटर से आर इक्वल टू कैपिटल आर तक, सेंटर से सरफेस तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा बेटा कि वो क्या होगा, दैट विल बी कॉन्स्टेंट, एंड हाउ मच इज दैट, माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, इज दैट क्लियर, ओके। नाउ सरफेस के बाहर क्या होगा पोटेंशियल को वो हम देखेंगे बेटा, ये तो हो गया सेंटर से सरफेस तक, सेंटर से सरफेस तक आपने देखा दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वट एवर इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफेस सेम इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर, सो फ्रॉम सरफेस टू सेंटर वी रिमेन इज कॉन्स्टेंट, बट बियॉन्ड द सरफेस वॉट विल हैपन टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सेम रिलेशन आपको पता है, बियॉन्ड द सरफेस ऑफ शेल, शेल क्या बिहेव करता है याद है मैंने पढ़ाया था, shell behaves as a point mass and due to point mass what is the gravitational field intensity equal to gm by r square, to kaise nikaloge gravitational potential, is there any relationship between gravitational potential and field intensity, yes, what is that relation, v is equal to minus integration of idr, limits are running from infinity to our very important relation, I agar pata hai wahan pe aap v nikal sakte ho, so main surface ke bahar dekhna chahta hu v aur r mein kya relation hai, to batao kya aayega, v is equal to minus integration what is I here gm by r square, yes
dr, infinity to r. तो माइनस जी एम बाहर, अंदर क्या बचा, आर इज पर माइनस टू डी आर इंफिनिटी टू आर. सॉल्विंग दिस माइनस जी एम, बेटा ये आएगा आर इज पर माइनस वन बाई माइनस वन, वो माइनस इसके साथ कैंसिल होगा, यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ. ठीक है, सो आर इज पर माइनस वन को वन बाई आर लिखेंगे, लिमिट्स आर रनिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू आर. तो यहां क्या आंसर आ गया, जी एम, हाँ बेटा, वन बाई आर माइनस वन बाई इंफिनिटी. तो वी यहां क्या आ गया, जी कैपिटल एम बाई स्मॉल आर. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, क्या यहां वी आर के साथ इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन आर, बट हाउ, इनवर्सली एज आर. तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जब आप सरफेस के बाहर जाओगे तो पोटेंशियल घटता जाएगा, लेकिन घटने का मतलब आपको पता है, इट इज नेगेटिव वैल्यू विल डिक्रीज. सो व्हाट विल हैपन, इट विल डिक्रीज लाइक दिस, तो इट कैन नॉट टच दिस टाइम एक्सिस, यू नो इन्फिनिटी पे ये टच करेगा, सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस. तो यहां वी और आर में क्या रिलेशन आ गई, इनवर्सली एज आर, और यहां वी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर. यहां सेंटर से सरफेस, दिस इज द सेंटर से सरफेस तक सेम पोटेंशियल, और उसके बाहर वी फिर घट जाएगा, लेकिन घटता नहीं है, एक्चुअली बढ़ता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कम हो जाता है, इट कम्स टुवर्ड जीरो. इज दैट क्लियर, सो इट एक्चुअली इंक्रीजेस. सो ये आ गया ग्राफ फॉर हॉलो शेल. सो सॉलिड स्फीयर का भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वहां पे अंदर फील्ड जीरो नहीं है, वहां सेंटर से सरफेस तक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो फिर यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में चेंज आती होगी ना, तो वो आई होप आप निकाल सकते हो. सो आपके लिए वो असाइनमेंट मैं रखूंगा, आप वो क्वेश्चन करो, और अगर नहीं कर सकोगे देन आई विल डिलीवर द लेक्चर ऑन दैट वेरी टॉपिक. आपके पास सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, आपको मैं बता रहा हूं सेंटर से सरफेस तक हाउ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वेरी विद द डिस्टेंस, एंड बियॉन्ड द सरफेस द ग्राफ विल बी सेम, बट यहां से यहां तक द ग्राफ विल बी समवट डिफरेंट फ्रॉम दिस. क्यों, क्योंकि अंदर यहां फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं है, कितनी है वो भी मैंने पढ़ाई है. तो फिर निकालो वहां से वी, माइनस इंटीग्रल ऑफ आई डी आर इंफिनिटी टू, वहां से वी निकालना, और आपको पता चलेगा हाउ द वी चेंज. इज दैट क्लियर, समझ आ रहा है. सो ये क्वेश्चन बेटा आप करोगे, और अगर नहीं आया देन आई विल डिलीवर द लेक्चर ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो. थैंक यू सो मच.